हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान तरीक़ों से बनने वाली सब्जियों से भरपूर हेल्दी सैंडविच, जिसे आप बनाना है बेहद आसान और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को एकदम बारीक चॉप कर लिया है, जिसमें हमने लिया है खीरा, बारीक कटी हुई प्याज, और यहाँ पर हमने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर। आप गाजर को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, मतलब कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। दो मिर्ची को हमने ऐसे बारीक कट कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम ही डालिएगा, या फिर चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं। तो एक बॉल में हम निकाल लेंगे अपनी सारी सब्जियों को। तो यहाँ पे आप जैसे कोई चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं ना, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनके तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को निकाल लिया है। थोड़े से धनिया और हरी मिर्च को भी हम इसमें डाल देंगे। तो जैसा कि मैं बच्चों के लिए नहीं बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी कर रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब, और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, मतलब काली मिर्च का पाउडर डाला है। और यहाँ पे इसमें डलेगा मायोनीज। तो जैसे अब आप लोग सोचेंगे कि मायोनीज डालने के बाद ये तो हेल्दी नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना कि अगर आप मायोनीज नहीं डालना चाहते हैं, वेट लॉस में ये सैंडविच को बनाकर खाना चाहते हैं, तो फिर आप हंग कर्ड ले सकते हैं, जो एकदम गाढ़ी दही होती है ना, आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच गाढ़ी दही डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 चम्मच मायोनीज का यूज़ किया है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। तो इन सब चीज़ को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि मायोनीज वगैरह में नमक होता है, और नमक को एकदम लास्ट में डालना है। जब बनाना हो तब आप थोड़ा सा नमक इसमें डाल के मिक्स करके फटाफट से बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया है, आप ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस में खा रहे हैं, मतलब जैसे मैं बार बार ही कह रही हूँ, आप हेल्दी वर्जन में बना सकते हैं। इसलिए मैं बताते जा रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं इसी चीज़ को, फिर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ सेजवान सॉस। और अगर आपको मतलब यहाँ पे ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप लगाना है ना, तो आप लगा सकते हैं। सब चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा ही लगता है। अब हम यहाँ पर रख देंगे अपने वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग। रखने के बाद हम अच्छे से फैला देंगे, खूब एकदम भर भर के हम इसको रख देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ स्लाइस, आप यहाँ पे मोज़रेला चीज़, या फिर अगर आप चीज़ क्यूब्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और कुछ भी नहीं डालेंगे ना, तब भी अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 सैंडविच में ही डाल रही हूँ, मतलब एक चीज़ को 2 टुकड़ों में करके इस तरीके से बस इससे डाल रही हूँ, 2 में मैं बिल्कुल नहीं डालने वाली। तो मतलब टोटल मेरा ऐसे 6 सैंडविच बनके तैयार हुआ था। 4 ये है, 2 मैंने बाद में बनाया था। और इसको दूसरे ब्रेड से ऐसे कवर कर देंगे। ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा बटर या फिर देसी घी। तो मेरे पास अभी थोड़ा सा बटर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा घी ही लगा लिया है। और इससे ना बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो ऊपर की साइड लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा घी और इसे सेक लेंगे। अगर आपके पास ग्रिलर हो तो आप मतलब बिना बटर या घी या ऑयल से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा मतलब टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा बटर आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। तो चलिए अब इसको सेक लेते हैं इसी तरीके से। तो पैन में हम थोड़ा सा लगा देंगे पहले घी अच्छे से चारों तरफ, उसके बाद हम अपने सैंडविच को रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है ना, घंटी, उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एकदम धीमी आंच से हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ऊपर के साइड भी हम थोड़ा सा बटर मतलब घी लगा देंगे और इसे पलट देंगे, दूसरे साइड से भी एकदम क्रिस्पी सा कर लेंगे। तो अब हर माँ की टेंशन होगी एकदम से दूर, क्योंकि मैं लाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और क्विक सी लंच बॉक्स की रेसिपीज़ की वीडियो। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें, मेरी वीडियो 1 से 3 के बीच में आती है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग से बताती हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो दोनों साइड से हम ऐसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा, टेस्टी सा, क्रीमी सा हमारा सैंडविच बनके तैयार है। आप लोग इसे गर्मा गर्म चटनियों के साथ या फिर वैसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसे बनाइए, एंजॉय करिए, बच्चे को अपने एकदम खुश कर दीजिए। आप इसे इवनिंग स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हल्का फुल्का और थोड़ा हेल्दी तरीके से बना रहता है। तो चलिए फिर मैं फटाफट से ऐसे सारे सैंडविच को सेक लेती हूँ। तो बस यही करना है कि ऊपर की साइड हल्का सा लगा देना है और दोनों साइड से उलट पलट कर ऐसे सेक लेना है। तो देखिए मोबाइल की लाइट बार बार मेरे ऑन ऑफ हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। तो
तो सैंडविच हमारी बनके तैयार है। मैं इसको कट करती हूँ और इसको इंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी इसे बनाइए, इंजॉय करिए। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिस जिसने दही वाले सैंडविच को ट्राई किया वो भी कमेंट करके बताए कि वो कैसा बना है। तो देखिए मैं इसे कट कर दी हूँ, जो कि है ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम क्रीमी चीजी सी सैंडविच हमारी बनके तैयार हुई, बिना सैंडविच मेकर के, बिना ग्रिलर के। तो आप लोग भी इसे ट्राई जरूर करिएगा। तो आजकल का मौसम भी बहुत ही अच्छा हुआ है, एकदम खाने पीने वाला, एंजॉय करने वाला, गर्मियों का मौसम लग ही नहीं रहा है। तो आप लोग भी इस मौसम को एंजॉय करिए और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए ऐसा टेस्टी और मजेदार सा स्नैक्स, सैंडविच और बहुत ही चटपटा सा चीज बनाइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।